आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट में स्क्रू थ्रेड में मेजर और माइनर डायमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इफेक्टो डायमीटर ऑफ थ्री वायर के बारे में पढ़ेंगे। थ्री वायर मेथड के द्वारा इफेक्टो डायमीटर कैसे निकालते हैं। आज हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, मेजर एंड माइनर डायमीटर। जो स्क्रू थ्रेड होता है, स्क्रू थ्रेडिंग में मेजर और माइनर डायमीटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मेथड पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें इफेक्टो डायमीटर बाय थ्री वायर मेथड। थ्री वायर मेथड में इफेक्टिव डायमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मेजर एंड माइनर डायमीटर। सबसे पहले ये आपको जो दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है मेजर एंड माइनर डायमीटर। ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया है आपको मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर, नीचे है मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर। ऊपर आपको जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है मेजर डायमीटर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और नीचे दिखाया गया है माइनर डायमीटर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले ये डायग्राम बने हुए हैं जो आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के, हम लोग जो माइक्रोमीटर के द्वारा हम इसमें रीडिंग निकालते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल सिलेंडर है। ये सिंपल सिलेंडर है। अगर हमारे पास सिंपल सिलेंडर, हम कैसे मेजर करेंगे और स्क्रू थ्रेड में कैसे मेजर करेंगे उसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये हमने जो लिया, ये है सिंपल सिलेंडर। सिंपल सिलेंडर में इसका जो डायमीटर है वो है मेजर डायमीटर डी है, और जो डायमीटर ऑफ मास्टर कहलाता है ये डायमीटर है, और ये है जो रीडिंग है इसकी, ये इसकी रीडिंग कहलाएगी आर ए सिलेंडर की रीडिंग। इसी टाइप से आपको जब इसमें थ्रेडिंग की अगर आप रीडिंग निकालते हो, तो इस थ्रेडिंग की जो टीथ है, टीथ के टॉप हिस्से पे हम इसे माइक्रोमीटर को रखते हैं ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ और यहाँ, इसी टाइप से ऊपर और नीचे हम माइक्रोमीटर को रखते हैं, उसके बाद रीडिंग निकालते हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास डायमीटर कहलाएगा, जिसको हम डायमीटर ऑफ द मास्टर बोलते हैं, और ये कहलाएगा रीडिंग। इस साइड जो आएगी इसकी रीडिंग कहलाएगी। रीडिंग क्या रहेगी आपको इसमें भी दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है सिलेंडर दिया हुआ, सिंपल सिलेंडर जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एक सिलेंडर है, इसमें हमारे पास एक्सेल लगा हुआ है मेजरिंग एनविल, और यहाँ ऊपर पर होल्डिंग, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह फिक्स किया हुआ, इससे ये वाला डायग्राम, और ये जो टीथ वाला डायग्राम हमारे पास ये रही है मेजरिंग एनविल, और ये होल्डिंग, यहाँ पर होल्ड किया हुआ इससे, इसके द्वारा हम इसकी रीडिंग निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट है इसमें माइक्रोमीटर इज सेट ओवर द मास्टर या स्टैंडर्ड सिलेंडर हैविंग अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ डी। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोमीटर को सेट करते हैं किसमें, मास्टर या फिर स्टैंडर्ड टाइप का एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें हम लोग माइक्रोमीटर को सेट करते हैं, उसमें हम एक डायमीटर डी डायमीटर अप्रोक्स करते हैं लेते हैं। माइक्रोमीटर इज देन सेट ओवर अ मेजर डायमीटर एम एंड रीडिंग इज रिकॉर्डेड आर। माइक्रोमीटर के द्वारा हम जब उसमें सेट करते हैं, उसमें मेजर डायमीटर हम एम कैलकुलेट करते हैं, और उसमें रीडिंग निकालते हैं वो आर से डोनेट करते हैं, मेजर डायमीटर को एम से, और रिकॉर्डिंग को जो होती है रीडिंग उसको आर से। तो इसका फार्मूला होता है मेजर डायमीटर निकालने का, एम इक्वल टू डी प्लस माइनस आर एस माइनस आर, ये फार्मूला होता है, जहाँ पर एम है मेजर डायमीटर और डी है हमारे पास डायमीटर ऑफ द मास्टर, तो हमको इसमें दिख रहा है डायमीटर ऑफ मास्टर, और आर एस है स्टैंडर्ड सिलेंडर उसकी रीडिंग, माइनस आर है स्क्रू थ्रेड की रीडिंग है वो है। तो यहाँ पर एम इक्वल टू डी प्लस माइनस आर एस माइनस आर, यहाँ पर मेजर डायमीटर निकल आएगा कब, जब हम इसमें डायमीटर ऑफ द मास्टर को रखेंगे, और इसमें रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड सिलेंडर और रीडिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास मेजर डायमीटर यहाँ से निकल आएगा। अब इसी टाइप से आपका इसमें माइनर डायमीटर का कैलकुलेट करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ माइनर डायमीटर, तो आपको इसमें फ्लोटिंग कैरिज माइक्रोमीटर है। अब आपको ये एक सिंपल सिलेंडर है जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड सिलेंडर लिया हुआ है, स्टैंडर्ड सिलेंडर में वी पीस के द्वारा इसको सेट किया हुआ है, और सीट करने ये वाला है हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सिलेंडर का डायमीटर, और ये है हमारे पास माइक्रोमीटर रीडिंग ओवर सिलेंडर एंड वी पीसेज, हमारे पास ये है माइक्रोमीटर रीडिंग। इसमें हम क्या कर कहाँ फिक्स कर, जैसे ये थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग वाला ऑब्जेक्ट है, थ्रेडिंग वाले ऑब्जेक्ट में जो रूट वाला हिस्सा है वहाँ पर हम लोग दोनों जगह एनविल को फिट करते हैं, ये माइक्रोमीटर एनविल है, यहाँ माइक्रोमीटर एनविल है, और यहाँ पर जो हमारे पास रीडिंग आती है इसको हम डोनोट करते हैं एम टू से, जो कि हमारे पास माइक्रोमीटर रीडिंग कहलाती है, और ये कहलाता है यहाँ पर ये हिस्सा जो यहाँ से जो डायमेंशन होता है इसको माइनर डायमीटर बोलते हैं डी माइनर। तो माइनर डायमीटर निकालना है इसमें, तो हमारे पास जब निकलेंगे तो इसको हम एम से नोट करेंगे, तो एम इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डी प्लस माइनस आर एस माइनस आर, जहाँ पर एम है माइनर डायमीटर है, वहाँ पर मेजर डायमीटर है, यहाँ माइनर डायमीटर है,
डी है हमारे पास डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, स्टैंडर्ड सिलेंडर या डायमीटर ऑफ द मास्टर, और प्लस माइनस आर एस मतलब हमारे पास जो स्टैंडर्ड सिलेंडर की रीडिंग, माइनस आर मतलब हमारे पास इस थ्रेडिंग की रीडिंग। तो इस टाइप से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, उससे माइनर डायमीटर निकाल लेंगे। तो मेजरमेंट करना है अगर माइनर डायमीटर, तो एम इक्वल टू डी प्लस माइनस आर एस माइनस आर। इससे हम जो ये इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके टॉप हिस्से पे रखते हैं, यहाँ टॉप हिस्से पे एन वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर इसके रूट वाले पर इस पर क्रेस्ट पे रखते हैं एन वैल्यू को, और यहाँ पर रूट पर एन वैल्यू को रखते हैं। उसके बाद हम इसमें रीडिंग निकालते हैं, इसके द्वारा हम मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड वाई थ्री वायर मेथड। थ्री वायर मेथड के द्वारा इफेक्टिव डायमीटर कैसे निकालते हैं वो बताया गया इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ, इन दिस मेथड थ्री वायर्स ऑफ नोन डायमीटर आर यूज्ड, वन ऑन वन साइड एंड टू ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। द वायर्स मे बी आइदर हेल्ड इन हैंड और हंग फ्रॉम अ स्टैंड सो एज टू एंश्योर फ्रीडम ऑन द वायर्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स अंडर माइक्रोमीटर प्रेशर। थ्री वायर मेथड में क्या होता है, जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें एक साइड एक वायर लगा रहता है और दूसरी साइड दो वायर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिला करके थ्री वायर को इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास पैरामीटर आते हैं वो है लेंथ एम इक्वल टू है डिस्टेंस ओवर वायर्स, पूरे वायर के डिस्टेंस है एम। ई इक्वल टू होता है इफेक्टिव डायमीटर, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ वायर्स, एच इक्वल टू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ वायर और डॉट फ्रॉम द इफेक्टिव डायमीटर, डी है डायमीटर ऑफ वायर्स और अल्फा है एंगल ऑफ द थ्रेड, एम है जो पूरे वायर का डिस्टेंस है, ई है इफेक्टिव डायमीटर और आर है इसमें वायर का रेडियस, रेडियस ऑफ वायर, और एच है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ वायर, वायर का सेंटर की जो हाइट है वो एच है, या रॉड फ्रॉम द इफेक्टिव डायमीटर का रॉड है। डी इक्वल टू है डायमीटर ऑफ वायर्स, वायर का डायमीटर, अल्फा है एंगल ऑफ थ्रेड, थ्रेड का एंगल। अब हम देखते हैं इसमें डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है इस पर थ्री वायर दिख रहे हैं, ये आपको थ्रेडिंग का ऑब्जेक्ट है। थ्रेडिंग के ऑब्जेक्ट में एक साइड हमको एक रोल बना हुआ है, एक वायर लगा हुआ है, दूसरी जगह हमारे पास दो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइप से थ्रेडिंग में। इससे हम लोग डायमेंशन को इफेक्टिव डायमीटर कन्वर्ट करें, इसलिए हमारे पास थ्री वायर मेथड कहलाती है। थ्री वायर में हमारे पास दो एक साइड से और एक साइड से एक रूल इस्तेमाल करते वायर, ये थ्री वायर मेथड कहलाता है। ये एम है ओवरऑल मेजरमेंट रीडिंग और ये इफेक्टिव डायमीटर की, ये हमको थ्रेडिंग में दिखाया गया। इसको जूम करके ये जो वायर है, वायर इसमें अटैच है, इसको हमको देखना है मैम। ये एच है, एच है हाइट, जो हमारे पास थ्रेड की हाइट है एच है कैपिटल एच, और यहाँ पर हमारा सेंटर पे ए, यहाँ जो कांटेक्ट पॉइंट है वायर का वो बी, और इसके बीच में जो हमारे पास पिच लाइन खींची हुई है, बीच में से पिच लाइन खींची है, पिच लाइन का जो कटिंग सेक्शन है वो सी, और यहाँ पर हमारे पास डी पॉइंट है और यहाँ पर ई पॉइंट है, और ये जो हमारे पास ऊपर से वायर के लेकर वायर से लेकर के जो डायमेंशन है वो एम है, जो हमको यहाँ पर दिख रहा है माइक्रोमीटर की रीडिंग, और ई है यहाँ पर इफेक्टिव डायमीटर ये। तो ये आपको इसमें दिख रहा है जो सेंटर बीचों बीच से पिच लाइन से होते हुए जाती है, ये जो बीचों बीच लाइन खींची हुई है ये पिच लाइन खींची हुई है जो कि टीथ के बीचों बीच से खींची जाती है। तो ए बी सी और डी, ये पूरा जो थ्रेड एंगल होता है ये होता है अल्फा, ये जो हाफ हमने लिया तो इसलिए अल्फा बाई टू है। तो इसमें डायग्राम बना हमारे पास इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड बाई थ्री वायर मेथड। अब फ्रॉम फिगर नंबर बी, बी फिगर को डायग्राम को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी और डी, ए बी और डी जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट ट्रायंगल बन रहा है बी पॉइंट पे जो 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारे पास ये है लॉन्गिट्यूडनल, ए बी है लॉन्गिट्यूडनल, बी डी है हमारे पास बेस, और जो ए डी है वो हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास कॉसेक अगर थीटा लेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो हम इसमें हाइपोटेनियस मतलब ए डी हो जाएगा अपॉन ए बी हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, तो हाइपोटेनियस ए डी और लॉन्गिट्यूडनल ए बी हो जाएगा। तो हमारे पास ए डी इक्वल टू ए बी इंटू कॉसेक अल्फा बाई टू कर देंगे, कॉसेक अल्फा बाई टू आ जाएगा। ए बी इक्वल टू हमारे पास है वायर का रेडियस, ए से लेके बी तक के बीच में ये आर है, और अगर ए से बी और पूरा अगर वायर का अगर डायमीटर है तो डी कहलाता है और वायर का रेडियस है वो आर कहलाएगा। तो आर है
आर कॉसिक अल्फा बाई टू हो गया। अब हमारे पास, अब इसके बाद हमारे पास एच एच इक्वल टू आ जाएगा डी ई इंटू कॉट अल्फा बाई टू। कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा डी और एच, एच और डी डी हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कितनी कॉट के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और हाइपोटेनियस के फॉर्म में आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास एच है, हाइपोटेनियस में हमारे पास ई है, डी ई है। तो एच इक्वल टू डी ई कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो डी इक्वल टू होता है पी बाई टू, पिच का आधा हो जाता है, आपको मालूम है पिच है इसके बीचों बीच। अगर हम देखेंगे इसका पिच का हाफ हो जाता है, तो पी बाई टू इंटू कॉट अल्फा बाई टू हो जाता है। डी की जगह पर पी बाई टू रखेंगे। सी डी इक्वल टू है एच बाई टू। अगर आप देखो कि सी से लेकर डी तक का डायमेंशन वो एच का हाफ है, तो एच बाई टू है, तो सी डी इक्वल टू एच बाई टू। तो हम एच की जगह पे हमारे पास ये है पी बाई टू इंटू कॉट अल्फा बाई टू, तो एच की जगह पर रखें तो हमारे पास आ जाएगा पी बाई फोर कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा सी डी। अब हमको अगर एच निकालना है, हाइट निकालना है, तो एच इक्वल टू ए डी माइनस सी डी हो जाएगा। तो ए डी हमारे पास है और कॉसेक अल्फा बाई टू है, और सी डी हमारे पास पी बाई फोर कॉट अल्फा बाई टू है। तो यहाँ पर आर कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस पी बाई फोर कॉट अल्फा बाई टू ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एच की वैल्यू आ गई एच इक्वल टू। अब हम जब डिस्टेंस ओवर वायर्स निकालेंगे, पूरे वायर का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब एम इक्वल टू निकालेंगे, तो हमारे पास इसमें इफेक्टिव डायमीटर ई आएगा प्लस टू इंटू एच रहेगा। इसका हाइट का सेंटर की जो हाइट है इसका डबल हो जाएगा, टू एच प्लस टू आर रहेगा, वायर का डबल रहेगा तो टू आर हो जाएगा। तो ई प्लस टू एच प्लस टू आर, यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्ट आर है, यहाँ पर है तो टू आर हो जाएगा। तो हमारे पास ई प्लस टू एच प्लस टू आर, तो ई प्लस टू इंटू एच की जगह पर हम रखेंगे ये वाला पूरा, तो और कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस पी बाई फोर कॉट अल्फा बाई टू प्लस टू आर। इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई प्लस टू का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और पूरे को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई प्लस टू आर। यहाँ पर हमारे पास कॉसेक अल्फा बाई टू है, जिसको हमारे पास टू आर, ये टू आर और ये टू आर कॉमन आ जाएगा, तो हमारे 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई टू हो जाएगा माइनस ये पी बाई फोर, ये टू से कट जाएगा तो पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर इसको हम सॉल्व करें, ब्रेकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रेकेट को हमारे पास यहाँ आ जाएगा टू आर कॉसेक अल्फा बाई टू, और यहाँ आ जाएगा पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू प्लस टू आर हो जाएगा। तो टू आर कॉमन आ जाएगा, टू आर 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई टू बचेगा यहाँ पर, माइनस पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू बचेगा यहाँ पर। तो m इक्वल टू हो जाएगा e प्लस टू आर इक्वल टू होता है d, तो d या डायमीटर होता है डबल, रेडियस का डबल होता है d, 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू। चूंकि टू आर इक्वल टू d होता है, इसलिए e इक्वल टू, हमको इफेक्टिव डायमीटर निकालना है तो इसका पूरे का पक्षांतर हो जाएगा। तो 10 इफेक्टिव डायमीटर, तो e इक्वल टू हो जाएगा m माइनस d 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू। इस टाइप से हम इफेक्टिव डायमीटर को निकाल सकते हैं। अगर हमको इफेक्टिव डायमीटर निकालना पड़ेगा तो इसमें हम तो पूरा रीडिंग निकालना पड़ेगा ओवर वायर की, और डी डायमीटर ऑफ वायर रखना पड़ेगा, और अल्फा हमारे पास रखना पड़ेगा एंगल, और पी हमारे पास प्रेशर, और इस टाइप से पूरा हम डायमेंशन को रख देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव डायमीटर निकाल आएगा। इस टाइप से हम इफेक्टिव डायमीटर को निकालते हैं थ्री वायर मेथड से। ये जो है ये थ्री वायर मेथड है। थ्री वायर मेथड में सिर्फ ये अंतर होता है कि हमारे पास ये एक रहता है और यहाँ पर डबल रोटर रहते हैं, वायर रहती है, दोनों मिलाकर थ्री वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको थ्री वायर मेथड बोलते हैं। इसके द्वारा इफेक्टिव डायमीटर निकालते हैं। तो हमको मेनली यहाँ से इस फार्मूले को याद करना है, ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इफेक्टिव डायमीटर अगर आपको निकालना, तो ई इक्वल टू एम माइनस डी इंटू 1 प्लस कॉसेक अल्फा बाई टू माइनस पी बाई टू कॉट अल्फा बाई टू। इससे आप इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हो, ये इफेक्टिव डायमीटर निकालने का। इसके द्वारा हम इफेक्टिव डायमीटर निकालेंगे अब थ्री वायर मेथड के द्वारा।